हेलो दोस्तों, गीतांजलि हाइड्रोलिक में आपका स्वागत है। ये 2 क्यूब मीटर एजेक्स फ्लोरी मशीन का पंप है और ये पंप हमने तकरीबन 8 महीने पहले रिपेयर किया था। पंप में बाकी सामान सब कुछ सही साइड था, लेकिन ये बार बार जो है ये लट्टू तोड़ रहा था बार बार। ये लट्टू हम अभी दूसरा नया भी बुलाए हैं, तो हमें थोड़ी शंका थी, इसलिए हम इसकी शाफ्ट भी चेंज कर रहे हैं। ये शाफ्ट है और इसकी पुरानी शाफ्ट जो है वो ये है, इसे हम चेंज कर रहे हैं। ये शाफ्ट हमें थोड़ी सी नीचे से इसका मुंह थोड़ा खराब दिख रहा है, तो हमने ये शाफ्ट भी इसकी चेंज कर रहे हैं। और बाकी ये लट्टू चेंज कर रहे हैं हम इसका, ये वाल गाइड चेंज कर रहे हैं, क्योंकि तो ये 9 होल प्लेट जो उसकी हल्की सी टेढ़ी हो गई है, तो ये 9 होल प्लेट के साथ वाल गाइड कामन में आई थी, इसलिए हम ये भी चेंज कर रहे हैं। और ये पंप है बुधनी वर्धमान फैक्ट्री में, मालवीय जी कंस्ट्रक्शन का सामान है ये। तकरीबन 9 महीने 8 महीने पहले हमने ये पंप रिपेयर किया था, अभी तक तो बढ़िया चल रहा था, लेकिन थोड़ी सी समस्या आ गई थी इसमें, इसलिए ये बार बार लट्टू तोड़ रहा था। तो दो तीन चीज़ें जो हमें शंका थी वो हम चेंज कर रहे हैं, तो ये हम पंप आपको वापस बना रहे हैं, दिखा रहे हैं, तो देखिएगा आपकी कैसे बना रहे हैं। हाँ दोस्तों, ये 9 होल प्लेट हमने नहीं बुलाई है और ये वाल गेट नहीं बुलाई है, और रोटर तो पुराना है इसका, ये वाल प्लेट पुरानी है, पिस्टन इसके पुराने हैं। ये सापट बुलाई हमने, ये लट्टू बुलाया हमने, और ये 9 होल प्लेट और ये वाल गेट ये नया बुलाया है, बाकी सामान इसी का है। और अब हम इसके अंदर इसको डाल रहे हैं। इसने क्या थोड़ा सा नुकसान किया था पार्टी का 2 बार, इसने दो, एक तो पुराना लट्टू जो था वो भी तोड़ दिया इसने, फिर अभी बीच में एक दूसरा लट्टू भेजा था वो भी तोड़ दिया है, और तो अभी तीसरा लट्टू लग रहा है ये। तो इसीलिए क्या हमें इसकी सापट में भी थोड़ी समस्या लग रही थी, तो इसलिए हमने इसकी सापट भी चेंज कर दी है, और 9 होल प्लेट हमें बेंड लग रही थी तो वो भी हम इसकी चेंज कर रहे हैं, ताकि क्या कि पार्टी का दोबारा नुकसान ना हो। बस ये कोशिश हमारी जारी है, बाकी आगे फिर भविष्य नहीं कह सकते किसी चीज़ का भाई क्या प्रॉब्लम है, बट बाकी हम ये कर रहे हैं। रोक दे जरा, अब रोटर में डाल दिया है, और ये इसकी वाल प्लेट है और ये इसका हेड है जो हम इसके ऊपर अब चढ़ा रहे हैं, ये देखिएगा आप। ये इसका चार्जिंग पंप है जो हमने निकाला नहीं था, ये देखा दोस्तों आपने। तो ये अब हमारा पंप कंप्लीट है, चार्जिंग पंप हम लगा देंगे। और ये पंप जो है हमने तकरीबन 8 महीने पहले रिपेयर किया था, थोड़ी समस्या आने की वजह से इस पंप को उतारना पड़ा हमें। और अगर किसी प्रकार की अगर आपकी मशीन में कोई समस्या है या कुछ समस्या आती है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं यूट्यूब पे, और अगर कोई समस्या अगर है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, तो जितनी कोशिश होगी कि आपकी समस्या हम फ़ोन पे ही सॉर्ट आउट करें। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।